जमाना रश्क करता है वो 10 हिजरी के मंजर पर, बराए हज नबी के संग चला जब लाख का लश्कर। जी हाँ दोस्तों, वेलकम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आपका तहे दिल से वेलकम करते हैं और बात करेंगे दोस्तों सिहाब चित्तूर को लेकर भी, और जो हमारे हाजी हैं दोस्तों मीना के अंदर, तो वो आज क्या करेंगे वो सब जो है इसी वीडियो में शेयर करेंगे, और आपको बहुत ही खूबसूरत वीडियो भी दिखाएंगे जो हमारे पास यानी सऊदी से आई है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर ईद की नमाज अदा की हमने। ये है जिंजाना और ये शामली ज़िले में पड़ता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर जो है ईद की नमाज अदा की दोस्तों, और काफ़ी भीड़ थी माशाल्लाह से। वीडियो लेट बनाई दोस्तों, और बारिश भी आ चुकी थी यहाँ पर हल्की हल्की, लेकिन काफ़ी भीड़ थी दोस्तों उसके बावजूद भी। और सभी जो है लोग बाग बाहर निकल रहे हैं दोस्तों, यानी ईदगाह से। और आगे ये सामना आप देख सकते हो दोस्तों, ये गुरुद्वारा है जो हमारे सिख भाई हैं वो जो है यानी उनका ये गुरुद्वारा है यहाँ पर, वो भी आगे दिखाएंगे दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। ये जो ईदगाह पड़ती है हमारी, ये पड़ती है यानी मेरठ करनाल हाईवे, यानी जो हरियाणा पंजाब से निकल रहा है यानी अमृतसर लाहौर वाघा बॉर्डर होते हुए, तो ये यहाँ पर पड़ती है ईदगाह। और आप देख सकते हो दोस्तों, सभी जो है कुछ गांव के साथी हैं हमारे साथ माशाल्लाह, और कुछ जिंजाना कस्बे के हैं। और ये रोड है मेरठ करनाल हाईवे, और आगे दिखाएंगे दोस्तों हम गुरुद्वारा। फिर उसके बाद दोस्तों सिहाब भाई की जो भी अपडेट है हाजियों की, यानी टोटल हाजी सभी की, वो आज क्या काम करेंगे और किस जगह फिर जो है वो जाएंगे, सब टोटल इसी वीडियो में शेयर करेंगे दोस्तों, वीडियो में बने रहे। और ये गुरुद्वारा है दोस्तों, सामने देख सकते हो आप, ये भी काफ़ी खूबसूरत गुरुद्वारा है दोस्तों, यानी इधर हमारे क्षेत्र में मेरठ करनाल हाईवे पर। तो दोस्तों बात करते हैं हज 2023 की, यानी सिहाब भाई की और सभी हाजियों की। तो मेरे दोस्तों, कल सभी हाजियों ने जो है ईद की नमाज अदा की थी सऊदी के अंदर, और दोस्तों फिर उसके बाद जो है सभी हाजियों ने यानी बड़े शैतान को कंकर मारी थी साथ साथ, यानी सभी हाजियों ने मिलकर हमारे सिहाब भाई ने और सभी ने। फिर उसके बाद दोस्तों सभी हाजियों ने जो है यानी कुर्बानी की दोस्तों, उसके बाद जो है सभी हाजियों ने सर के बाल कटाए दोस्तों। आज यानी 29 तारीख में जो है सभी हाजी 3 शैतानों को आज फिर कंकर मारेंगे, और हमारे सिहाब भाई भी। उसके बाद दोस्तों मीना से जो है मक्का के लिए निकल जाएंगे, और मीना की और मक्का की जो दूरी है मेरे दोस्तों तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है, और सभी हाजी जो है मक्का पहुंचकर तवाफ करेंगे काबे शरीफ का। तो मेरे दोस्तों बात करते हैं नौशाद भाई की, जो नौशाद भाई हैं कर्नाटक से चले हैं पैदल हज पर दोस्तों 2024 के लिए। उन्होंने आज ईद की नमाज दोस्तों जामा मस्जिद दिल्ली में अदा की है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों, नौशाद भाई ने जामा मस्जिद में यानी दिल्ली की ईद की नमाज अदा की है माशाल्लाह, और काफ़ी खूबसूरत है देख सकते हो दोस्तों, और काफ़ी उनके चाहने वाले भी जो है यहाँ पर मिले थे, और आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और दोस्तों हमारे पास जो है बहुत ही खूबसूरत वीडियो आई दोस्तों सऊदी से, एक बार आप ये वीडियो देखिए माशाल्लाह, न्यू वीडियो है दोस्तों, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो देखिए। जमाना रश्क करता है वो 10 हिजरी के मंजर पर, बराए हज नबी के संग चला जब लाख का लश्कर। अल्लाहु अकबर। नबी गुजरे, रसूल गुजरे, यहाँ से बादशाह गुजरे, मगर क्या कहने सारिम जब इमामुल अंबिया गुजरे, पड़े आसार गए अब भी उन्हीं कुदसी सिफातों के, नजर आएंगे वाजे जा बजा कोई सदा गुजरे। अल्लाहु अकबर।